अगर देश सेवा में एक बेटा हो रहा है उसको भी कुर्बान कर देंगे। देश सेवा से सबसे पहले धर्म है देश सेवा। और बाद में वो देने वाले सभी यूट्यूबर फेसबुक फैमिली को गुरुवर नरवाना की राम राम भाई। जैसा कि आप सबको पता है भाई, अपना बेलरखा गांव में नरवाना का जो नज़दीक है 8-7 किलोमीटर दूर पड़ा बेलरखा गांव, वहाँ से एक नौजवान साथी जो सेना में था सोबित दत्तरवाल, वो शहीदी पा गए हैं, शहीद हो गए हैं। और आज उनका जो अंतिम संस्कार वो किया गया है राजकीय सम्मान के अनुसार। और ये वो जो मकान है सोबित दत्तरवाल जी का, यही वो मकान है जहाँ पर सोबित पढ़िया बढ़िया खेलिया। और ये आसपास के जो मकान है ये इनके टाबर टबेरा गए हैं। और भाई एक सम्मानजनक भी बात भी है क्योंकि शहीद होया है, मरे तो लोग रोज़ है, लेकिन जो शहीदी भाई ना पाई है देश के लिए वह बड़ी सम्मानजनक बात है। लेकिन भाई माँ बाप का जो हाल है वो बुरा हाल है, एक भाई और है वो बड़ा है, तभी बात करांगे कैसा स्वभाव था कैसा नहीं। और लास्ट बार के बात हुई थी के नहीं, तो बने रहे हमारे साथ शोभित दत्तरवाल जी के पिताजी, उनसे बात करेंगे हम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आपका बेटा जो शोभित है देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया है। हाँ। क्या कहना चाहूँगा? मैं तो कहूँ हर माँ बाप ने एक बेटा देश के लिए कुर्बान जरूर करना चाहिए, यही संदेश है मेरा। अगर कोई भी माँ बाप अपना बेटे को देश सेवा में नहीं देगा, देश की सेवा कौन करेगा? जो देश सेवा में जा रहे हैं वो भी तो किसी माँ के माँ बाप के बेटे हैं। सर हम देश सेवा भी सर्वधर्म है। सबसे पहले जो सेवा होती है देश सेवा होती है। सबसे पहले एक मिनट में बात करेंगे। अच्छा लास्ट बार बात कब हुई थी आपके इनसे? लास्ट तो 26 तारीख ना होगी थी बात, हर रोज बात करके सोए करते मेरी से। कोई बताइए, कोई टेंशन नहीं है किसी? कोई टेंशन क्योंकि बात ये आ रही है नस फटने से है जो उनकी शहीदी। वो तो न्यू है जी, जो रिपोर्ट आएगी खुद उस पर जो मेडिकल चेकअप किया है वो ही बताएगी क्या हुआ है, अभी तक तो वो नहीं आई है। परिवार में और कौन कौन है जी, कितने बच्चे आपके? दो ही लड़के हैं। दो लड़के, ये छोटे थे? ये छोटा लड़का था। मैरिड थे या अनमैरिड थे? अनमैरिड थे। अच्छा, अभी शादी का सोच रखा था कब होगी? कब? हाँ अब देख सोच रहे थे, अब छुट्टी आवा था 8 तारीख को। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पूरा देश है शोभित के लिए जो नमाक किए हुए हैं, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। और शोभित ने पूरे गांव राम को जो एक इज्जत दिलवाई है, क्योंकि पहला जो लड़का बताया गया है बेलरखा गांव का जो शहीद हुआ इतनी कम उम्र में, आप क्या कहना चाहोगे? मेरे बेटे का हमने गर्व है पूरा। ठीक है सर। अगर देश सेवा में एक बेटा हो रहा है उसको भी कुर्बान कर देंगे। देश सेवा से सबसे पहले धर्म है देश सेवा, और बाद में यही कहना था। तो एक पिता की आंखों में आंखें भरी हुई थी और फिर भी कह रहे हैं कि देश की सेवा के लिए अगर मुझे अपना दूसरा बेटा भी नौछावर करना पड़ जाए तो वो झिझकेंगे नहीं, वो भी कर देंगे। आज बड़े गर्व की बात है कि शोभित जो दत्तरवाल जी हैं 21 साल की उम्र में, मात्र 21 साल की उम्र, और पहले जो शहीद बेलरखा में हुए हैं, बड़ी गर्व की बात है। लेकिन परिवार पर अजय दुखों का पहाड़ तो है ही। अभी उनका जो बेटा है जिनकी अभी शादी भी हुई थी, शादी के भी सोच रहे थे करने की, और जो सोभित दत्तरवाल है वो अपने बड़े भाई को विदेश भेजने की भी तैयारी कर रहा था। उनके भाई से हमने बात की थी तो कह रहे थे भाई, कह रहा था मैं अब की बार आऊँगा तो अब की बार फाइल लगाऊँगा तेरी और आपको बाहर भेजूँगा। तो सारे अरमान वो रह गए हैं, लेकिन शहीदों के आसमान में एक और जो चमकता सितारा है जो सोभित दत्तरवाल है वो हो गए हैं शामिल उसमें, हमारे देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हो गए हैं सोभित दत्तरवाल जी। आप क्या सोचते हैं इस सारे मुद्दे पे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जय हिंद जय भारत लिख कर जो सोभित दत्तरवाल को है जो श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा।